शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, कल आपने पढ़ा था कि शनिदेव का पहला ढैया वृश्चिक राशि पर 4 अगस्त से शुरू होगा। जिनका भी चंद्रमा नीच राशि का पड़ा है, यानी स्कॉर्पियो राशि में पड़ा है, वो कुंडली में कहीं भी हो सकता है। अगर सिंपल वे उसका, मैंने कल आपको बताया था कि 8 नंबर लिखा है और उसमें साथ में उसी भाव में 6 चंद्रमा लिखा है, तो उस जातक का पहला ढैया 4 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो फिर आगे कंटिन्यूटी में चलेगा। वो 7.5 का पहला चरण 4 अगस्त से उस जातक की बॉडी पर शुरू हो जाएगा। ये आप अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं, क्योंकि 7.5 का चलना, जन्म कुंडली के ऊपर गोचर के शनि का भ्रमण, यानी जहां आपका चंद्रमा पड़ा हो, जिस राशि में चंद्रमा पड़ा हो आपकी जन्म कुंडली में, उस पर गोचर का शनि एक राशि पहले आ जाए, एक राशि चंद्रमा के ऊपर और एक राशि चंद्रमा के बाद, वो 3 ढैये जब इकट्ठे हो जाते हैं चंद्रमा के एक घर आगे, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के बाद, तब वो 7.5 साल शनिदेव की 7.5 के बनते हैं। प्रिय दर्शकों, कल हमने पहले ढैये की बात की थी, आज सेंटर वाले यानी बीच के ढैये की बात करते हैं। बीच का ढैया किन जातकों पर चलने वाला है 4 अगस्त से? जिस भी जातक का चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में 7 नंबर यानी तुला राशि में पड़ा हो, तुला राशि मतलब हो सकता है आपकी लग्न कुंडली ही तुला की हो और लग्न में ही चंद्रमा पड़ा हो, तो समझ लीजिएगा कि 4 अगस्त को उस जातक का बीच का ढैया फिर से शुरू हो गया है। जिस कुंडली में, जिस राशि में आपका चंद्रमा पड़ा होगा, अगर उसी राशि में गोचर का शनि भ्रमण करता हुआ आ जाएगा, चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर भ्रमण करते हुए, यानी अब जैसे शनिदेव कन्या राशि में चल रहे हैं, गोचर का भ्रमण करते हुए चंद्रमा के ऊपर आ जाएंगे, यानी जिस भाव में चंद्रमा है उसी भाव में शनिदेव भी आ जाएं, तो वो शनिदेव के 2.5 साल का पीरियड आपकी कुंडली में 7.5 का बीच का ढैया निर्धारण करता है। वो शनिदेव का गोचर 2.5 साल का आपका बीच का 7.5 का पीरियड कहा जाता है। हो सकता है आपकी कर्क लगन की कुंडली हो सकता है आपकी मीन लगन की कुंडली हो, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट 7 नंबर राशि में है, या इसको ऐसा समझ लीजिएगा आपकी तुला राशि है, ये शायद कई जातकों को समझ में ना भी आ पाए, लेकिन अगर आपकी इस तरह से कोई भी लग्न की जन्म कुंडली बनी हो और आपका चंद्रमा 7 नंबर में लिखा हो, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उस जातक का 4 अगस्त को जब गोचर का शनि भ्रमण करते हुए तुला राशि में दोबारा एंटर करेंगे, तो उस जातक का बीच का 7.5 का ढैया फिर से शुरू हो जाएगा और वो सबसे ज़्यादा कष्टकारी होगा। शनिदेव उस कुंडली में कितने योग कारक हैं, ये आपको निर्णय करना है। चंद्रमा कौन से हाउस में पड़ा है, ये आपको निर्णय करना है। 7.5 80-90% कुंडलियों में प्रॉब्लम्स देती ही मिलती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का भ्रमण गोचर करते हैं तो वो मन को परेशान अवश्य करते हैं, जिसके लक्षण भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो बीच के ढैये की परेशानियाँ सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। शनि में डिग्री वाइज बलाबल जितना मर्जी हो, लेकिन बीच का ढैया नॉर्मल से ज़्यादा कष्टकारी अवश्य होता है, नॉर्मल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में ज़रूर जातक को लेकर के जाता है, जातक के बनते बनते काम बिगड़ते ज़रूर हैं। मैंने अक्सर कई लड़कियों की मैरिज डिले होती देखी है, वो भी एक 7.5 का लक्षण होता है, क्योंकि उनका 7.5 का बीच का ढैया चल रहा होता है, और वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुशील, इतनी अच्छे घर के खानदान की होते हुए भी मैरिज लाइफ में दिक्कत परेशानियां झेलती हैं, या उनको प्रॉपर वर ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनका भी बीच का ढैया चल रहा होता है। तो ये निर्णय कर लीजिएगा, आप पूरे परिवार की जन्म कुंडलियां उठा लीजिए, ये देख लीजिए, जिस भी जातक या जातिका का 7 नंबर में चंद्रमा पड़ा है,
अगर आपको खुद विवेचन करने में पहली पहली बार दिक्कत परेशानी आ रही है तो घर के आसपास जो भी आपको विद्वान मिले उनसे सलाह कर लीजिए, उनसे मशवरा ले लीजिए कि तुला राशि में शनि देव का उच्च होना आपके परिवार में कितने जातक या जातिकाओं पर बीच का ढैया लेकर के आया है। बीच का ढैया आना शनि देव का एक पीक पीरियड होता है आपकी अग्नि परीक्षा का, जितने आप 99 पौड़ी चढ़ के भी काम आपका बिगड़ जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, सारा पूरा प्रॉपर कुंडली भी मिलान कर लिया, लड़का देख करके फाइनल भी करने लगे, लास्ट मोमेंट पे आकर कोई छोटी सी बात हुई तो वो लड़की वाले अपने घर आ गए, लड़के वाले अपने घर आ गए, बात बनती बनती बिल्कुल सिरे पर आकर के बिगड़ जाती है। ये भी साढ़े साथी का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है, क्योंकि शनिदेव ने आपको खपाना है। बेसिकली शनिदेव की अग्नि परीक्षा का मतलब ये होता है कि शनिदेव आपका काम सिरे चढ़ने नहीं देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपको भगाएंगे, आपको खपाएंगे, आपको टेंशन देंगे, आपकी इनपुट और ज़्यादा मांगेंगे, तब जाके काम में आपका रिजल्ट निकलने वाला। तो साढ़े साथी का बीच का ढैया निर्णय कर लीजिएगा। अगर खुद इतनी बात आप समझने लगे हों तो ये देख लीजिएगा कि 7 नंबर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पड़ा है, ये किसी भी भाव में हो सकता है, चाहे पहले भाव में हो तुला लग्न की कुंडली हो, चाहे मीन लग्न की कुंडली हो, सातवें भाव में चंद्रमा पड़ा हो तुला राशि का, तो जहाँ भी जिस भी जातक का चंद्रमा 7 नंबर राशि में पड़ा होगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 4 अगस्त से उस जातक का साढ़े साथी का बीच का ढैया उसको परेशान करने आ चुका है, उसकी अग्नि परीक्षा लेने शनिदेव स्वयं आ गए हैं। क्योंकि बीच का ढैया जो है ऐसा पीरियड माना जाता है जो सबसे पीक पीरियड माना जाता है, हम उसको 3 उंगलियों पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीची उंगली अंगूठा ऐसे समेट लीजिए, 3 उंगलियां ऐसे निकाल लीजिए, ये पहला ढैया, ये बीच वाला ढैया यानी पीक का ढैया, ये सबसे बड़ी उंगली पीक का सेंटर का ढैया माना जाता है। और यहाँ आपको अगर इतना ज्ञान हो, आपको पता हो कि आपकी तुला चंद्र राशि है, अब ये डिफरेंस जरूरी है करना प्रिय दर्शकों, साढ़े साथी लगन पर नहीं चलती, साढ़े साथी नाम राशि पर नहीं चलती, नाम को तो बदल के आप कुछ भी रख सकते हो, तो सबसे आसान काम है, साढ़े साथी सिर्फ आपकी चंद्र राशि पर चलती है, यानी चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी लग्न कुंडली में जिस राशि पर होगी उससे अगर गोचर का शनि एक राशि पहले एंटर करेगा तब आपका पहला ढैया होगा। और जैसे 4 अगस्त को तुला राशि पर शिफ्ट होंगे शनिदेव या तुला राशि में भ्रमण शुरू करेंगे, तो जिनका भी चंद्रमा तुला राशि में पड़ा होगा उनका साढ़े साथी का बीच का ढैया यानी पीक पीरियड समझ लीजिएगा शुरू हो चुका है। हाँ, अगर शनिदेव डिग्री वाइज बलाबल में कम हुए, अगर शनिदेव कुंडली में योग कारक हुए तो साढ़े साथी का प्रभाव थोड़ा सा कम माना जाता है, अन्यथा साढ़े साथी परेशानी देती अवश्य है। अगर शनि योग कारक है तो थोड़ी कम परेशानी देगी, अगर शनि अयोग कारक हैं तो साढ़े साथी आपको कई गुना ज़्यादा परेशान अवश्य करती है। और जातक सारी टाइम पीरियड में ये नहीं समझ पाता कि मेरे इतने एफर्ट्स करने के बाद मेरे रिजल्ट्स में मुझे कोई आउटपुट क्यों नहीं मिलता, मेरा पीरियड खपने की कगार पे क्यों चल रहा है, मेरी आउटपुट ज़िंदगी में क्यों नहीं निकलती। वो काम के पीछे भागता है, काम 2 कदम उससे आगे चलता है, वो एफर्ट्स करता है उससे एफर्ट्स के रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो पैसा बहुत कमाता है लेकिन ऐसी जगहों पर पैसा निकल जाता है जो जातक को समझ में ही नहीं आ पाता कि मुझे पैसा इतना कमाने के बाद भी मैं ठन-ठन गोपाल ही घूम रहा हूं। ये सब साढ़े साथी के बीच के ढैये में अक्सर हमें देखने को मिलता है। 4th क्लास लेबर की प्रॉब्लम इसमें आती है, रिलेशंस की खटास इसमें आती है, ऑब्स्टेकल्स बिना कारण के आती हैं, अपने ही परिवार में दुश्मनी खड़ी होती है साढ़े साथी के पीरियड में। 2 भाई सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहते हैं लेकिन जिस दिन किसी एक की भी साढ़े साथी चल पड़ी वो दूसरे को बुरा समझने लगता है, ये साढ़े साथी का एक और लक्षण माना जाता है। तो बीच के ढैये की साढ़े साथी
आपको परीक्षा लेने के लिए आती है। वो टाइम पीरियड अगर आपने पाठ पूजन करके निकाल लिया, बीच का ढैया शनिदेव का साढ़े साती का आपसे सात्विकता मांगता है, बीच का ढैया साढ़े साती का आपसे पाठ पूजन मांगता है, बीच का ढैया साढ़े साती का हर दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट मांगता है, तो बीच का शनिदेव का साढ़े साती का ढैया अगर आपको टालना हो या उसका पाप प्रभाव कम करना हो तो अपना सात्विक जीवन जरूर दें। किसी भी ऐसे जातक की मदद अवश्य करें जो नीडी पर्सन हो, चाहे वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हो, चाहे कोई भी दोस्त मित्र, चाहे वो आपका गुणगान बाद में ना करे, ये मन में सोच के मदद करें कि मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, उसके मुझे इसका रिटर्न रिवार्ड कोई नहीं चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब हम किसी की मदद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बदले में हमें थोड़ा बहुत रिगार्ड मिले, लेकिन साढ़े साती में उल्टा रिगार्ड की बजाय हमें डीफेम मिलता है और वो हमारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। क्योंकि शनिदेव ने आपकी परीक्षा लेनी है, आपको नेकी कर और कुएं में डाल वाला काम करना होगा। नेकी कर ली, उसको छोड़ दिया, उसको गिनती में नहीं गिनना, क्योंकि वो आपके बचने का सबसे बड़ा रास्ता होगा। तो साढ़े साती के बीच का ढैया हर उस जातक के लिए 4 अगस्त से आगे लगातार चलेगा जिसका भी चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी लग्न कुंडली में अगर 7 नंबर में पड़ा होगा, उस पर गोचर का शनिदेव का भ्रमण आपका बीच का ढैया निर्णय करने में सहायक होता है। निर्णय करने में पता चलता है कि इस जातक का अब बीच का ढैया शुरू होगा, या जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि तुला राशि है, उसको पता चलेगा कि बीच का ढैया अब उसका शुरू हो चुका है। तो पहला ढैया तब चलेगा जब चंद्रमा से एक राशि पहले शनिदेव गोचर के एंटर करेंगे, यानी जिनका नीच का चंद्रमा होगा। बीच का ढैया तब चलेगा जिनका भी 4 अगस्त के बाद चंद्रमा जब शनि गोचर का भ्रमण करते हैं उसके ऊपर आ जाएंगे, यानी चंद्रमा जिनका तुला राशि में 7 नंबर में कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी लग्न कुंडली में पड़ा होगा, उसकी साढ़े साती बीच के ढैये में एंटर कर जाएगी। तो किसी विद्वान की सलाह लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो खुद देखिए। खुद विद्वान के पास नहीं जाना चाहते हो तो बस सारी कुंडलियां खोल करके देखिए कि किस लग्न कुंडली में 7 नंबर राशि में किसी भी घर के जातक का चंद्रमा पड़ा हुआ है, तो वो आपका बीच के ढैये निर्णय करने में सहायक सिद्ध होगा। आपको पता चल जाएगा कि 7 नंबर के चंद्रमा पर बीच का ढैया शुरू हो चुका है, जिसका भी कहीं भी कुंडली में पड़ा हो। जन्म लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलने आते हैं जो बहुत सारा ज्ञान खुद भी रखते हैं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि उनके उन्हें कुछ ऐसा टिप दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ बताई जाए जो उनके काम बनने में सहायता करे, जो उनके काम सिद्ध होने में अच्छा शुभ योगदान प्राप्त योगदान डाले। तो मैं उन सब जातकों के लिए कहना चाहूँगा कि घर से जब भी निकलें और घर में जब भी वापस एंटर करें तो कोशिश करें कि अपना राइट फुट यानी सज्जा पैर पहले घर से बाहर निकालें और सज्जा पैर ही दोबारा घर के अंदर वापस लेकर के आएं, तो आपके कामकाज बनने में ये सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। क्योंकि सज्जा पैर शुभ माना जाता है, वो सबसे पहले अगर उठाया जाए तो काम बनता उससे अवश्य है। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हुआ, हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। Thank you.